Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. Meerut mein PM Vani, yani ki Wi-Fi access network interface sevao ka shubharambh ho chuka hai. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 9 दिसंबर को इसकी मंजूरी दे दी है। पीएम वाणी फ्रेमवर्क यूपी सहित पूरे देश में सस्ती दरों पर हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का विस्तार करने के लिए सरकार का एक क्रांतिकारी कदम है। इसका ये फायदा है कि कोई भी छोटे व्यवसाय धारक जैसे कि छोटे दुकानदार या फिर किसी भी संस्था द्वारा बिना किसी पंजीकरण ऑटो के लाइसेंस शुरू किया जा सकता है। देखिए डीडीजी टेक्नोलॉजी से कलम भगत से मिली जानकारी। ये जो पहले सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि पीएम वाणी जो है ये प्रधानमंत्री वायरलेस एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस का जो अप्रूवल हुआ था पहले ये 9 दिसंबर 2020 को जो हमारी सेंट्रल कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव किया था। और इसमें जैसे आपने पहले सुना होगा जैसे पीसीओ होता था पब्लिक कॉल ऑफिस, उसी कॉन्सेप्ट में पब्लिक डाटा ऑफिस है बेसिकली पीडीओ है। और इसमें क्या है कि जहाँ पर सिग्नल नहीं है मोबाइल का तो ये वहाँ भी यूज कर सकते हैं जहाँ पर कि हमारी इंटरनेट बैंडविड्थ आएगी तो वहाँ से हम वाईफाई एक्सेस इंटरफेस के जरिए लोगों को कम रेट पर डाटा अवेलेबल करा सकते हैं। और जैसे अभी यहाँ पर जो गंगानगर में इन्होंने अभी रिसेंटली 5 इन्होंने डिवाइस लगाई हैं और जो हमारा इंटरनेट प्रोवाइडर है सर्विस प्रोवाइडर वो शिवांश इंफोटेक है जिन्होंने यहाँ बैंडविड्थ प्रोवाइड की है। तो इसमें अराउंड 150 लोग कनेक्ट हो सकते हैं और स्पीड भी डिपेंड करता है नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं तो 20 Mbps के आसपास हमारी स्पीड भी आ सकती है। आईटी टेक्नोलॉजी से डीके गुप्ता से मिली जानकारी। हमें इस बात को लेकर बड़ा खुशी हो रहा है कि पीएम वाणी सर्विस गंगानगर एरिया में चालू की जा रही है। एक बड़ा मतलब डिजाइन करके एक स्ट्रक्चर में इसको चालू किया गया है कि सो दैट मतलब इसमें एक बड़ा एरिया में 300-400 घर एट अ टाइम इस पीएम वाणी सर्विस को यूज कर पाएंगे और उन लोगों को सस्ती से सस्ती दरों पर हाई स्पीड डेटा आसानी से मिल पाएगा जो कि एक नॉर्मल आम पब्लिक के द्वारा डिजाइन किया हुआ नेटवर्क है और आम पब्लिक ही उसे यूज करेगी। तो इससे एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बनता है, दूसरा एक सस्ती से सस्ती दर पर डेटा की उपलब्धता पब्लिक को पहुँच पाती है जो कि आज के समय में डेटा मतलब हर काम के लिए जो भी हम कोई भी काम करते हैं किसी भी टाइप का वो डेटा पर डिपेंडेंट है। तो डेटा का डिपेंडेंसी होने के कारण पीएम वाणी एक मीडियम माध्यम बन रहा है जो कि सस्ती से सस्ती दरों पर डेटा उपलब्ध कराने में। तो पीएम वाणी की सुविधाएं गंगानगर में अभी आज चालू की जा रही हैं और इसके अलावा मल्टी लोकेशन पर इसकी प्लानिंग है, मल्टी डिपार्टमेंट में हम परसू कर रहे हैं जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, फूड एंड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आपकी स्मार्ट सिटी है, ESI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी के साथ भी परसू कर रहे हैं। तो मल्टी डिपार्टमेंट मल्टी लोकेशन पर हम इसके लिए परसू कर रहे हैं सो दैट डेटा की जो उपलब्धता आसानी से हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, डेटा तो रीढ़ की हड्डी है क्योंकि डेटा और आटा और डाटा ये दोनों वेरी इम्पॉर्टेंट है। तो डाटा हमको सस्ती से सस्ती दरों पर हमारी मेन रिक्वायरमेंट बन गई है कि किस तरह से हम सस्ती से सस्ती दरों पर डेटा पहुंचाया जा सके। तो पीएम वाणी ये आसान तरीका है जो कि एक आम पब्लिक, इसमें टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि हमको एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर चाहिए, ISP चाहिए, एक नॉर्मल पब्लिक इसे डिजाइन कर रहा है और लगा रहा है और यूज कर पा रहा है, दूसरे लोगों को सपोर्ट कर पा रहा है। आज हमारे देश के अंदर 450 लोग पीएम वाणी के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं पीएम वाणी के वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं और जो डिवाइस पूरे देश के अंदर लग चुके हैं 1,20,000 डिवाइस लगभग पीएम वाणी के डिवाइस पूरे कंट्री के अंदर लग चुके हैं। तो आने वाले समय में इसके भविष्य उज्जवल है पीएम वाणी के द्वारा। मेरा नाम दिनेश कुमार गुप्ता, डायरेक्टर UP बेस्ट LSE मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का रीजनल ऑफिस है, उसमें हम लोग यहाँ पर बैठते हैं। अभी के लिए इतना ही, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट TV को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से
हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है। और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।